हरिराम जी गुड मॉर्निंग, दिनेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है अंदर, क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं? अच्छा खास चल रहा है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दिनेश जी। कल आपका संडे का दिन कैसा रहा, कुछ आप बताना चाहेंगे? कल संडे का दिन जी आप कहना चाह रहे हैं, दिनेश जी आप कहना चाह रहे हैं क्या? फर्स्ट टाइम सुनेंगे सर हम। फर्स्ट टाइम सर, तो ये कल स्पेशली आ रहे हैं और स्पेशली सुदामा शर्मा जी के कारण आ रहे हैं। सुदामा जी ने कहा था कि भाई ये वाला कॉम्बिनेशन इनको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और समर्थ परिवार का जो कॉम्बिनेशन है, आपने से देखा था किसी ने समर्थ परिवार का जो कॉम्बिनेशन था क्या था इसके अंदर? आपने से किसी ने, मैंने आपको समर्थ परिवार का कॉम्बिनेशन भेजा था, आपको यदि याद है या तो आपने देखा था तो आप मुझे बताएं कि देखा था या तो नहीं देखा था, क्या रहा था समर्थ परिवार के नाम से? एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा था, तो इस वजह से उनको, सुदामा जी को अच्छा लगा, तो इसी वजह से उन्होंने पूछा कि सर ये है क्या। तो उन्होंने पूछा तो इसी वजह से मैंने उनको देवेश जी को कांटेक्ट किया कि भाई आप खुद ही आके बता दोगे तो ज्यादा अच्छा है, जिन्होंने बताया था। तो इस वजह से वो तैयार हो गए हैं कि चल क्या है, कल आ जाएंगे और बता देंगे। तो यदि आपने उसको देखा, मैंने तो एक्चुअली ग्रुप में भेजा था, मैंने जो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है उसके अंदर भेजा था, तो यदि आपको मिला या तो आपने उसको देखा तो आप मुझे बताएं क्या देखा उसके अंदर, क्या पता लगा, क्या खास लगा। छोटा सा कॉम्बिनेशन है, फैमिली के लिए है, बहुत शानदार। क्या होता है कि इंडिविजुअल प्लान बेचने की बजाय कॉम्बिनेशंस जो है ज्यादा कर जाते हैं, लोगों को ज्यादा पसंद आ जाता है, लोगों को अच्छा लगता है कि यार ये चीज इन्होंने बनाई है ये बढ़िया है। तो इसी वजह से कॉम्बिनेशन बेचना जरूरी है, इसीलिए कॉम्बिनेशन के बारे में लोगों को बताना जरूरी है। तो यदि आपकी इच्छा हो तो हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन के अंदर उसके अंदर क्या। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कॉम्बिनेशन था, मतलब मैं तो आपको भाई थोड़ा सा ही बता सकता हूँ इसके बारे में, मैं तो कोई ज्यादा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि जिन्होंने बनाया है वो इसके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से बताएं तो बढ़िया लगेगा। समर्थ परिवार के नाम से है, 50 रुपए रोज बचाइए और पूरे परिवार का बीमा हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भाई 50 रुपए रोज वाला प्लान आप बता रहे हो, आप हमसे उम्मीद करते हो बड़ी बड़ी पॉलिसी करो, तो फिर आप 50 रुपए वाला प्लान क्यों बता रहे हो? तो खैर अब सुदामा शर्मा जी चलो लेट आए हैं, लेकिन स्पेशल हमने इनवाइट किया है कल की मीटिंग में, तो परिवार वाला ये जो कॉम्बिनेशन है। सुदामा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब आपके लिए स्पेशल, आपने पूछा था समर्थ परिवार क्या कॉम्बिनेशन है, आपके लिए स्पेशल हमने ये वाला जो प्रेजेंटेशन है डिस्कस कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशल हमने देवेश माधव जी को रिक्वेस्ट करी है कि भाई आके आप हमारी मीटिंग में समझाइए। और बताओ आप ही सुबह की मीटिंग में गायब हो? नहीं 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 सर, मैं गायब नहीं था, कल तो थोड़ा लेट था तो आके सो गया, फिर मिल जाएगा उठाया नहीं मैडम ने। आप सोइए जरूर, अच्छी बात है, पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। लेकिन कल तो ऐसा नहीं होगा कि कल पता लगा सुबह 8:35 पर वो देवेश रावत जी आ रहे हैं और सुदामा जी गायब हैं। अरे नहीं सर ऐसा नहीं। देख लो कहीं देखो, स्पेशल ये वाला जो समर्थ परिवार वाला जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर ये लिखा है 50 रुपए रोज बचाने हैं, पूरे फैमिली का आपका बीमा हो जाएगा, 50 रुपए रोज बचाने, 18 साल तक बचाने हैं, बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए 6.5 लाख रुपए आपको इसके अंदर मिलेंगे, 18वें साल के अंदर 2 लाख रुपए, 21वें साल के अंदर 2 लाख रुपए, 25वें साल के अंदर 2.5 लाख रुपए। आपको ये देख के प्लान का अंदाजा क्या लग रहा है? आप में से कोई भी बता सकते हैं कि आपको अंदाजे से ये कौन सा प्लान लग रहा है कि शायद ये वाला प्लान हो सकता है, कोई भी अंदाजा? अपना माइक ऑन करके बताइएगा, क्योंकि आप माइक जब तक ऑन नहीं करेंगे आपकी आवाज नहीं आएगी। भाई 21 साल का है तो 21 का मतलब तो जीवन लाभ हो गया, 25 का है तो 25 के अंदर भी जीवन लाभ हो गया, 18 का है तो 18 का मतलब तो शायद मेरे ख्याल से जीवन लक्ष्य भी हो सकता है 18-15। एनीवे पिता की दुर्घटनावश मृत्यु की अवस्था में परिवार को 8.5 लाख मिलेंगे, तो 8.5 लाख का बीमा है, नॉमिनी को 2 लाख रुपए तुरंत मिलेंगे, तो 2 लाख रुपए का टर्म राइटर भी हो सकता है, तो भविष्य में परिवार को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, तो वो तो जीवन लक्ष्य के अंदर फीचर अवेलेबल होता है। पूर्णावधि यानी कि मेच्योरिटी पे 6.5 लाख मिलेंगे, तो ये वाला जीवन लक्ष्य का फीचर होता है। बाकी इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए हमारे पास
आ ही रहे हैं, स्पेशली जब वो हमारे पास आ ही रहे हैं तो ठीक है, हम इस बारे में बातचीत क्या। सुदामा जी आप थोड़ा सा अपना कल के बारे में बताइए, कल का आपका प्रोग्रेस क्या रहा, किन किन लोगों से बातचीत रहा, क्या मीटिंग रहा, किस किस को कॉन्टेक्ट किया, हो पाया नहीं हो पाया, समय निकल पाया नहीं निकल पाया, या तो आपकी जो नौकरी है उसके अंदर इतना ज्यादा टाइम लग गया कि किसी और चीज के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली, मौका ही नहीं मिला। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, संडे तो फ्रीली रहता है सर, नाइट में तो बस नाइट में काम रहता है, उसके बाद दिन में तो सारा दिन फ्रीली रहता है सर। 8 घंटे भी काम करके अगर 2-4-5 घंटे मतलब मीटिंग वीटिंग कर लोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन सर हुई है 2 लोगों से मीटिंग, तो बोला मैं सोच के बताऊंगा, क्या हो सकता है सर मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा सर, बोला उन्होंने सोच के बताऊंगा, मैं आपको फोन कर दूंगा, अभी इस महीने मेरे पे खर्चे ज्यादा आ गए हैं, ऐसे उन्होंने बात करके सर टाल दिया उसको। आपने कितने लोगों को कॉन्टेक्ट किया कल? सर कल 2 लोगों से मीटिंग की मैंने, पूरे दिन में 2 लोगों से मिला जी सर। अच्छा, तो इन 2 लोगों ने आपको बोला कि खर्चा ज्यादा साथियां हैं हमारे यहाँ, भारत भरना है तो हम अगले महीने आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ठीक है भैया, तो खर्चे, अच्छा ठीक है, तो एक ने बोला खर्चे ज्यादा आ गए हैं, दूसरे ने क्या बोला? जैसे बोला मैं बताऊंगा, फैमिली से बात करके बच्चों से बात करके फिर बताऊंगा, ऐसे बोला सर उन्होंने। मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना कोई भी परचेजिंग करना हो, कुछ भी खरीदना हो, और आपने बच्चों से बात करी हो आज तक कि भाई बच्चों मुझे ये खरीदना, मतलब आपको खैर आपकी तो मतलब बच्चों से बात करने वाली वो मतलब बच्चे का इतना एज नहीं है कि आप बात करें, लेकिन जिनके बच्चे हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा, जैसे रविराज किशोर जी के बच्चे बड़े हैं, दिनेश जी के, है ना, थोड़ा सा ये जिनके बड़े बच्चे हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा होता है, या तो सुदामा जी आप भी बता सकते हैं कि क्या कभी ऐसा होता है कि आदमी को कुछ भी खरीदना हो और वो बच्चों से बात करें, ऐसा कभी होता है? बच्चों का मतलब बीवी से सर, बच्चे ने बीवी से मैडम से बात करने के लिए, वो बच्चों का तो सारा काम तो मैडम पूछते हैं। एक्चुअली ये भी तो होता है ना, ये टाल मटोल वाली होती है, तो खैर सर मुझे कैसे क्या दिया, उन्होंने बोला ठीक बीवी से बात करूंगा, आपने उसका जवाब दिया? मैंने बोला ठीक है सर बता दीजिए आप। ओके, इस तरह की हम उससे मुलाकात कर लेते हैं, आप उससे मुलाकात करा सकते हैं, आप है किधर, थोड़ा सा आप जरा दिखाइए तो सही, जरा क्या बात है, क्या गुल खिला रहा है, उसकी बात क्या कर रही है, सही शाबाश, क्या बात है, अरे बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, हाँ बेटा, हाँ मैं कह रहा था ना ये कैमरे के सामने आते ही चुप हो जाएगा, देखा ये जब तक कैमरे के सामने नहीं थे शो कर रहा था, कैमरे के सामने आते ही चुप हो गया। नमस्ते कर दो बेटा। ठीक है, हेलो बेटा, हेलो बेटा, क्या नाम रखा आपने इनका? सर ऋषभ नाम रखा। ऋषभ नाम है, बहुत शानदार नाम है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए आपने कुछ प्लानिंग किया, कुछ सेविंग करना शुरू किया? हाँ तो करती थी पॉलिसी उसकी, जब भी करती थी, जब 3 महीने का था उसी टाइम करती थी। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, वेरी गुड। सो बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की उनकी इच्छा रहती है, उनको लगता है कि मेरे पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे इसके अंदर पार्टिसिपेशन करना चाहिए। सो गुप्ता जी भी हमारे साथ में आ गए हैं, गुप्ता जी कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, स्वागत है। अच्छा ठीक है गुप्ता जी, ठीक है, नमस्कार। इसके अलावा हमारा जो एक तो देवेश रावत जी कल आ रहे हैं, तो कल आपका किसी भी हालत में आप मिस मत करिएगा, वो थोड़ा सा आप उसका ध्यान कर लीजिए, किसी भी हालत में कल वाला प्रोग्राम मिस नहीं होना है। स्पेशल सुदामा शर्मा जी की जो रिक्वेस्ट है उस पर बहुत बड़े ट्रेनर हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते रहते हैं, तो कल का ध्यान रखिएगा, कल 8:35 पर वो जो टिफिन था वो 3 पॉलिसीज का, 1 पॉलिसी पर तो 1 से 6 फरवरी का, तो वो आप में से कुछ लोगों का, जैसे सुदामा जी का क्वालिफाई हो चुका है, सुदामा जी को बधाई, हरिराम जी का क्वालिफाई हो चुका है, हरिराम जी को बधाई, और बाकी के साथी भी हैं, कोई भी कंपटीशन खाली ना जाने दें, तो क्वालिफाई जरूर करें, उसमें पार्टिसिपेशन जरूर करें, कोशिश जरूर करें, किसी को कॉन्टेक्ट जरूर करें, अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगता है। इलेक्ट्रोथर्मल जेल वार्मर है 3 पॉलिसी पर, 1 से 9 फरवरी यानी कि आखिरी दिन है उसका। तो अभी हमारे पास यहाँ पर सुदामा जी की 2 हुई हैं, यदि एक और करेंगे तो इनका वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो 4 रिचार्जेबल है, हीटिंग पैड है, बहुत शानदार। और हरिराम जी का 1 हुआ है तो 2 और करते हैं तो हो जाएगा, एक ही नाम से करेंगे तब भी चलेगा, मिनिमम प्रीमियम की कोई कंडीशन नहीं है, आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते।
तो इसको जरूर करें। नीड मैनेजिंग डायरेक्टर का या डायरेक्टर से आपको मिलता है सिर्फ पर आसानी हो सकता है। शुरू सुनने में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा लगता है, थोड़ा सा भारी लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, शायद वो वाला तो अच्छे तरीके से बता ही पाएंगे। सो हम जानने की उनको कोशिश करेंगे कल 8:35 पे, वो वाला तो मुलाकात हम कर ही लेंगे। 31 पॉलिसी में थोड़ा सा अपना ये मिनिमम प्रीमियम का ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे प्रीमियम इसके अंदर काउंट होने वाले नहीं है, मैंने आपको लिख के भेजा है। हरिराम जी को थोड़ा सा एक और ध्यान रखने की जरूरत है, पूरे एजेंसी ईयर में सिर्फ 2,31,000 का प्रीमियम हुआ है, तो ध्यान थोड़ा सा रखने की जरूरत है कि भाई वो एजेंसी में क्या होता है, मिनिमम नहीं करते हैं ना, तो वो खतरा है, एजेंसी का खत्म होने का खतरा है, किसी का भी एजेंसी में किसी भी तरीके का खतरा पैदा हो। सो थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखिए और इसको क्वालिफाई करिए। हमारे पास एक थोड़ा सा हम जो हमारा जो कल भेजा था उसको आपने देखा था, जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको भेजा था, जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा था, डिफरेंट आइडियाज टू सेल, जो जो कल वाली मीटिंग के अंदर तो था, समझा था, जाना था, यस नो, ऐसे किसी ने भी आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं कि आपने इसको देखा था, कि आपको ये कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, थोड़ा सा कुछ बता पाएंगे क्या था ये वाला। हम इस ये स्टोरी के बारे में हमने बात किया था, इसके बारे में हमने बात किया था, हमने अलग अलग बातें करी थी, तो आप इसके बारे में कुछ आपके काम आया, मैंने आपको पीडीएफ भेजा था सेकंड हफ्ते का, थर्ड हफ्ते का, दोनों पीडीएफ मैंने भेजे थे, और यहाँ पर हमारा इसको दोबारा से खोल के बातचीत इसके बारे में करने का मकसद ये रहता है कि थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे तरीके से हम इसको समझ पाए, जान पाए। सो क्या इसके बारे में कोई बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, आपको इसके बारे में क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, आपने इसको देखा था कल, आपके पास ये वाली चीज अवेलेबल थी, तो कहेंगे कोई कुछ। अदरवाइज हमारा ये जहां तक हुआ था उससे आगे हम थोड़ा सा शुरू करने की कोशिश करते हैं। तीसरे मेसन की हम लोग कहानी की कल बात कर रहे थे कि अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ बाइंग लाइफ इंश्योरेंस। हम यदि अल्टीमेट बेनिफिट की बात करते हैं तो आदमी को जल्दी समझ आता है, कस्टमर को जल्दी समझ आता है। तो कंसेप्चुअली प्रेजेंट आइडिया रिटायरमेंट यदि पावर परिवार उसके कई बार पढ़ा हो व्हाट्सएप तकलीफ क्या थी, तो आपको जो कहानी का थोड़ा सा आपको आइडिया है तो थोड़ा सा बताएं आप क्या था इस कहानी के अंदर, क्या नहीं था, यदि आपको आइडिया है तो आप बताएं, नहीं आइडिया है तो ठीक है, हम लोग इसको आगे कवर करते हैं। रिटायरमेंट के हिसाब से बहुत पावरफुल स्टोरी है और सभी एलआईसी इसमें जो लाइक ये चेयरमैन होने के लाइक बेटे ने इनको किया था बिजनेस से और जी, उसके बाद जी जी इनके बाद ना प्रॉपर्टी बिजनेस कुछ भी नहीं बचा और इनको अपने मतलब रोज की डेली के खर्चे निकालने के लिए भी पैसे नहीं। बेटे ने घर से निकाल दिया, बेटे ने इनको एक भी रुपया नहीं दिया, तो ये जो खतरा है अकेले विजयपत सिंघानिया के साथ पैदा हुआ या तो मेरे और आपके साथ या तो दुनिया में किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी सिंघानिया बन सकते हैं, नेवर नो, कोई भी हम भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, सभी के लिए विजय सिंघानिया वाला तो खतरा है, सभी के लिए है। तो इसके अंदर आगे देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या है। विजयपत सिंघानिया का जेके ग्रुप जो है मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन है, मैं जेके ग्रुप में कई बार गया, जेके ग्रुप का मैंने विजयपत सिंघानिया का मैंने पॉलिसी किया था, 10 लाख रुपए का चेक मैंने उठाया था विजयपत सिंघानिया का बीमा निवेश प्लान के अंदर। हमारी टीम में एक एजेंट हुआ करते थे रितेश जैन, तो मैं उनके साथ गया जेके ग्रुप में, मैं 2002 की बात है, तो मैंने 4 चेक उठाए, 10-10 लाख के मैंने 4 चेक उठाए थे बीमा निवेश के,
मैंने उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था जिसके थ्रू हमने ये पॉलिसी बेचा था, मैंने उसको कई बार बोला, रितेश को भी मैंने कई बार बोला, हमारी टीम में रितेश जैन एजेंट हुआ करते थे, तो मैंने रितेश को कई बार बोला, मैंने कहा यार ये 10-10 लाख के चार चेक तो हमने उठा लिए, फॉर्म भी आ गया, सब आ गया, लेकिन भाई कम से कम एक बार सिंघानिया साहब से मुलाकात तो कर लो। तो वो कहते हैं जी मिलते नहीं वो किसी को भी। मैंने कहा भाई तो हम कुछ ना कुछ यार अच्छा बताने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ बढ़िया बताने की कोशिश करेंगे। कहता नहीं आप चेक लो और जाओ। अब बताओ मैं मतलब क्या बोलूं मैं उसको। अब देखो मुलाकात होती है तो शायद हमने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग बताया होता, शायद कुछ ना कुछ बताया होता, लेकिन 10-10 लाख की 4 FD की पॉलिसियां उन्होंने दी, बीमा निवेश की, हमने लाख के दफ्तर में 40 लाख जमा किए, FPR भी खत्म। खैर मेच्योरिटी भी चली गई है, 10-10 साल के प्लान थे, 2002 में किया था हमने, 2012 में चारों पॉलिसियों का मेच्योरिटी भी हो गया, चारों के चारों से बनिया, उसमें विजयपत जी भी थे जो भी था। लेकिन बाद में कंडीशन क्या हुआ, विजयपत सिंघानिया का, ये वो उस जमाने की फोटो है जब वो पहले थे चेयरमैन हुआ करते थे, क्या पर्सनालिटी थी। उसके बाद वो जब पार्क के अंदर बैठे रहते थे, रोटी ब्रेड भी किसी ने उनको वीक में दे दी खाने के लिए, तो उनका गुजारा उसी से चलता था। ओन ऑफ रेमंड जी के ग्रुप आर्टिकल, मुंबई मिरर, अलग अलग अखबारों में ये वाला आर्टिकल आया था कि वन ऑफ द कंट्रीज रिचेस्ट मैन, इसने 20 साल तक जो रेमंड्स के मालिक थे, तो सारा पैसा लुट गया। क्यों? उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर एक भी रुपया नहीं लगाया। रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर उन्होंने पैसा क्यों नहीं लगाया, उनको लगा छोड़ना यार क्या जरूरत है, रिटायरमेंट प्लानिंग कोई जरूरी चीज थोड़ी ना। गौतम सिंघानिया उनका बेटा था, फ्लाइंग का जो है चैंपियन हुआ करता था, और आज की डेट में विजयपत सिंघानिया का हालत बहुत ज्यादा खराब है, और ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, आप इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल आपको भेजा हुआ है। ये वाला आर्टिकल मैंने ये सब चीजें आपको क्यों भेजी कि जी रिटायरमेंट प्लानिंग, जब 20,000 करोड़ के मालिक की इतनी बुरी हालत हो सकती है तो भाई साहब मैं और आप क्या चीज है। आपको लगता है इस टाइप का रिटायरमेंट स्टोरी के बारे में आप लोगों को बातचीत करेंगे तो क्या आपका पॉलिसी बिक सकता है? बिल्कुल बिक सकता है। आपको लगता है कि सिंघानिया ने उस समय मेरे को 1,00,000 रुपए के चेक दिए, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिए, वो वाले 40 लाख के चेक देने की बजाय वो 40 लाख उसने रिटायरमेंट प्लान में डाले होते, मान लो वो 40 लाख रुपए उसने जीवन अक्षय में डाले होते, उसने मेरे को FD का प्लान देने की बजाय उसने मेरे को जीवन अक्षय में डाल के दिए होते, मतलब मुलाकात होती तो डेफिनेटली मैंने उसको प्लान समझा ही दिया होता, लेकिन उसने वो जो पैसा है उसने वो पैसा यदि मान लीजिए जीवन अक्षय में डाले होते, आज की डेट में भी उसको 100 साल तक गारंटेड पेंशन मिल रहा होता। खैर जो हुआ सो हुआ, शायद हो सकता है मेरे को मुलाकात करने में थोड़ी कमी लगी हो, मैं शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट को या तो जो हमारी टीम के एजेंट है उनको कन्विंस करने में शायद मेरी कमी रही हो, लेकिन हाँ इस स्टोरी से हम क्या लेसन सीख सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हम क्या सीख सकते हैं इसके बारे में, कि जिससे कि हमें या तो हमारी जानकारी में किसी भी व्यक्ति को, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट के टाइम पे बुढ़ापे के टाइम में तकलीफ ना आए पैसे, आपने इससे क्या लेसन सीखा? कुछ आपको सीखने को मिला नहीं मिला? आपने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखा है क्या? आपको 50 के बाद, 55 के बाद, 60 के बाद हर महीने कितना पैसा आएगा क्या आपको पता है? मैंने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखा है, मेरे को पता है आज की डेट में 60 की एज के बाद हर महीने मेरे को 1,60,000 रुपए आने वाले, मैंने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखा है तो। लेकिन मुझे क्या लगता है ये भी कम है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। क्या आपने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखा है? क्या आपने ऐसा कर रखा है कि आप कमाएं या ना कमाएं, बच्चे को सारा का सारा पैसा पास ऑन कर दें या जो मर्जी कर लें, लेकिन फिर भी आपको हर महीने इनकम आनी चाहिए? रिटायरमेंट प्लानिंग सबकी जरूरत है, रिटायरमेंट प्लानिंग एक कंसेप्ट, इसी तरीके से चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग भी एक कंसेप्ट है। आप रिटायरमेंट प्लानिंग के नाम पर पॉलिसी बेच सकते हैं, आप चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग के नाम पर भी पॉलिसी बेच सकते हैं, आप कस्टमर को चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं और पॉलिसी बेच सकते हैं। आप यदि इसके बारे में बातचीत करेंगे लोगों को अच्छा लगता है, हमारे बच्चों के बारे में कोई प्लानिंग करके दे रहा है। रमेश रजनी के बारे में आपने सुना है? आप में से किसी ने सुना है रमेश के बारे में, रजनी के बारे में, उनके बेटे के बारे में? हेलो हेलो क्या बात है, किसी नहीं सुना है? आप रमेश को कभी नाम सुना है अपने, रमेश के बारे में, रजनी के बारे में, उनके बेटे के बारे में, किसी ने भी? यस नो नहीं सुना है? ओके, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि रमेश और रजनी का ये बेटा जो है ये कौन है। बच्चे का भविष्य का प्लानिंग क्यों करना चाहिए? बच्चे का भविष्य का प्लानिंग एक कंसेप्ट है,
रमेश और रजनी का बेटा बचपन से ही क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव था। उन्होंने पैसा बचा के रखा था, उसको क्रिकेट का ट्रेनिंग दिलाया, उसको आचरेकर जो है एक बहुत ही महंगे कोच हुआ करते थे उनसे ट्रेनिंग दिलाया और बच्चे का प्लानिंग किया, और आज की डेट में सचिन तेंदुलकर को दुनिया के अंदर हर कोई जानता है। आज की डेट में आपका बच्चा भी सचिन तेंदुलकर से कम नहीं है, सिर्फ प्लानिंग अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, उसके जो माँ बाप ने प्लानिंग किया रमेश और रजनी तेंदुलकर ने, उसकी वजह से वो इतना बढ़िया क्रिकेटर है। यदि वो अच्छे से प्लानिंग तो वो इतना बढ़िया क्रिकेटर किसी भी हालत में नहीं बन रहा बन सकता था। पैसा नहीं था, मिडिल क्लास के लोग थे, इतना पैसा नहीं था, और क्योंकि उन्होंने बढ़िया से प्लानिंग किया इस वजह से वो सक्सेसफुल हो पाया। स्टोरी ऑफ कृष्णा राव एंड वृंदा, कृष्णा राव और वृंदा के बारे में किसी ने सुना है? किसी का माइक ऑन है, थोड़ा सा बंद करेंगे तो ना सभी को आवाज अच्छे से आ पाएगा। कृष्णा राव और वृंदा के बारे में किसी ने सुना? इन दोनों के बारे में फोटो कभी देखा है, कभी सुना है? उनके बच्चों के बारे में सुना है, बेटे के बारे में, बिटिया के बारे में, उसका बेटा था आदित्य, उसके बारे में सुना है किसी ने? यस नो? हेलो, क्या बात है? मुझे लगता है अकेले मैं ही बातें कर रहा हूँ, साथ में क्या वो माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप? सुना है नहीं सुना है? ओके, हमारे पास टाइम भी कम है, 3 मिनट आखिरी के बचे हैं, तो हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कृष्णा राज और वृंदा दो बच्चे थे, बेटा था बिटिया। आदित्य जो बेटा था वो मर्चेंट नेवी में जाना चाहता था, और बिटिया जी तो कृष्णा राज और वृंदा की कहानी है ये वाली। और जो उनकी बिटिया थी वो ठीक ठाक थी, अच्छी बिटिया थी, जैसे आपकी बिटिया है, जैसे आपका बेटा है, वैसे ही बढ़िया थी। और लेकिन माँ बाप ने एक अच्छा काम किया, बच्चे के ऊपर ध्यान दिया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और इतना ज्यादा ध्यान दिया बच्चे को ना, जो उनकी बिटिया थी उनको नाचने का शौक था, डांस में उसको बहुत इंटरेस्ट था, भरतनाट्यम में इंटरेस्ट था, तो माँ उसकी बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। ठीक है, बिटिया का इंटरेस्ट है, चलो इसको अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं, इसका पूरा इसका करियर प्लानिंग करते हैं। अब यदि आपने बचपन के बारे में नहीं जाना है, मेरे ख्याल से शायद ये वाली फोटो देख के तो शायद आपको कुछ तो अंदाजा लग गया होगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हेलो, किसी को अंदाजा लग रहा है? यहाँ भी नहीं अंदाजा लग रहा जी सर। यहाँ भी अंदाजा नहीं लग रहा, क्या बात कर लग रहा है सर? लग रहा है क्या? अंदाजा लग रहा है क्या? अंदाजा लग रहा है भाई? अब तो मेरे ख्याल से कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। खैर, वो लड़की आगे जाके उसके माँ बाप ने उसका भविष्य का इतना बढ़िया प्लानिंग किया, पैसा उसके लिए बचाया, उसके ऊपर इतना रुपया खर्चा किया कि कल को जाके वो ऐश्वर्या राय बनी, अमिताभ बच्चन की बहू बनी, अभिषेक बच्चन की वाइफ बनी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जिंदगी में हुई। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके माँ बाप ने डिसाइड किया था रोज का 50 रुपये बचाना है या तो रोज का 100 रुपये बचाना है। तो ये बच्चे के भविष्य का प्लानिंग करने से ही बच्चों का भविष्य अच्छा होता है, वरना बच्चों का भविष्य आगे बर्बाद भी हो सकता है। ऐश्वर्या आज भी यही बोलती है कि मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए बढ़िया प्लानिंग किया था, उन्होंने जो मुझे प्यार दिया था, इस वजह से मैं इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाई। आपका जो बेटा है, आपको ये कहानी क्या करना है, कस्टमर को जाके बोलना है, उसको बोलना है कि आपका जो बिटिया है वो ऐश्वर्या राय से कम नहीं है, आपका जो बेटा है वो सचिन से कम नहीं है। हाँ, बस प्लानिंग थोड़ा सा करेंगे तो बच्चे को सफिशियंट पैसा अवेलेबल होगा। वेल्थ बिल्डिंग एज ए कंसेप्ट, आपका जो असली दौलत है वो उसको बोलते हैं कि आपके जाने के बाद परिवार को क्या मिलेगा। आप जीते जी क्या है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, जाने के बाद भी परिवार को पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताना जरूरी है, बोलना जरूरी है। ठीक है, ये वीडियो मैंने वीडियो नंबर 80 मैंने भेजा है, मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपको भेजा है, आपको यदि मिल गया है तो आप हाथ हिला के बता सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इनकम यदि आपको 100 रुपया आ रहा है, खर्चा 40 रुपया, 40% खर्चा करना है, नॉन मंथली एक्सपेंडिचर 30%, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग 20%, अपनी इनकम का 10% आपको लाइफ इंश्योरेंस में और रिटायरमेंट में डालना जरूरी है। यदि आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 1,000 रुपये महीना डालना जरूरी है। यदि आप 25,000 रुपये महीना कमाते हैं, 2500 महीना आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। यदि आप 1,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आपको हर महीने कम से कम 5,000 रुपये का सेविंग करना कंपलसरी है। ये इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे तो लोग आपकी बात मानेंगे, वरना लोग आपकी बात मानने वाले नहीं है। सो आज का जो प्रोग्राम था उसके अंदर आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या पसंद आया, क्या क्या आपने उससे सीखा, कुछ आप बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, आप में से कोई भी साथी? हेलो, कुछ भी अच्छा नहीं लगा?
पसंद आया नहीं आया क्या? हाँ क्या सर, रिटायरमेंट प्लान जरूरी है? जरूरी, ठीक है, बढ़िया, इस तरह की, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया हरिराम जी। और कुछ? बस सर, बढ़िया। सो मीटिंग बढ़ाइए, अपना नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ाइए, ज्यादा लोगों को मिलिए, मिलेंगे तभी आपका भला हो सकता है, उसके बिना भला नहीं हो सकता। हरिराम जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, कुछ कहना चाहते हैं सुनाम जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जी बताइए सुदामा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा था जी, आपने जो स्टोरी बताई विजय सिंघानी आगे, उससे लोगों को बताने में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, इससे ना पॉलिसी आसानी से चल सकती है। मैंने आपको विजयपत सिंघानी का कहानी बताया, मैंने आपको सचिन तेंदुलकर का कहानी बताया, मैंने आपको ऐश्वर्या राय का कहानी बताया, और तीनों कहानियों का एक ही मैसेज है कि भाई प्लानिंग करोगे, पैसा बचाओगे, तभी आपका भविष्य में काम आएगा, वरना नहीं आएगा। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ये थोड़ा सा समझाने की लोगों को जरूरत है। लोगों को जब हम कहानी बताते हैं, लोगों को फटाफट समझ आता है, और लोगों को हम डायरेक्टली प्लान समझाना शुरू कर देते हैं, जीवन आनंद कर लो, जीवन लाभ कर लो, एंडोमेंट कर लो, ये सब जब हम बताना शुरू करते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा आ गए हैं, बताऊंगा। ये सब जो गड़बड़ियां शुरू होती है ना, ये तब होती है जब हमने ना प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं किया। पहले वार्मिंग अप करना जरूरी है, एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज के पहले वार्मिंग अप करते हैं। किसी तरीके से इंश्योरेंस समझाते हैं तो उसके पहले कहानी बताना जरूरी है, कंसेप्ट बताना जरूरी है, आइडिया बताना जरूरी है, इसीलिए ये सब ट्रेनिंग में आना जरूरी है, इसीलिए मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आना जरूरी है। रोजाना जो अलग अलग टाइम रहता है, जैसे कल सुबह 8:35 का टाइम रहेगा, कल देवेश रावत जी भी आ रहे हैं, तो कल जो है, अब हमने यदि मेहमान को बुला रखा है तो मेरे ख्याल से शायद हमें 2-3 मिनट पहले ज्वाइन करके रहना चाहिए, क्योंकि 8:35 कल का टाइम है, तो शायद मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट पहले भी आ जाए तो चलेगा। मतलब हमारा जो गेस्ट है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने संडे को एक बार क्या देखा, जो हमने केसी भट्ट जी को बुलाया था, वो जिस समय प्रोग्राम शुरू हुआ उस समय या तो मैं था या तो केसी भट्ट थे, और उसके बाद ज्वाइन किया था दिनेश जी ने, तो दिनेश जी को बधाई की उन्होंने थोड़ा सा तो टाइम का ध्यान रखा, लेकिन बाकी साथी फिर उसके बाद धीरे 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 आए। वो तो अलग बात है कि वो भट्ट साहब को इतना आइडिया नहीं था कि मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे हैं या दो बैठे हैं या 20 बैठे हैं या 25 बैठे हैं या 50 बैठे हैं। वो बेचारे पहली पहली बार जो ऊपर इस तरीके से स्पीच दे रहे थे, तो उनको इतना मालूम नहीं था। लेकिन खैर देवेश रावत जी तो एक्सपर्ट है, वो तो जूम पर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, तो कम से कम समय से हम लोग यदि सुबह आए, 8:35 का समय है, मेरे ख्याल से अलार्म लगा लेंगे, रिपीट अलार्म लगा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैंने भी अलार्म लगा रखा है, अलार्म से बढ़िया रहता है। 8:35 का मतलब 8:33 या 32 का या 31 का अलार्म लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हो ही जाएगा ना, हमें ध्यान रखने की जरूरत क्या है। सो और कुछ बोलना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, कि आज का आपको क्या अच्छा लगा, क्या और कुछ आप जानना चाह रहे हैं, क्या फीलिंग है आपका, कुछ आप उसे किसी की भी इच्छा, माइक अपना ऑन करके आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हमारा 8:30 एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है राजेश टैगोर जी का, 8:30 से 9:30 का, और हमारे देशराज कपूर जी और धर्मेंद्र कुमार जी उसके अंदर शामिल है। धर्मेंद्र जी बिहार से ज्वाइन करेंगे, अभी बिहार में है, तो आप भी उसमें जरूर आइए, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अभी अभी हमने जो विजयपत सिंघानिया वाला जो प्रेजेंटेशन अभी हमने सीखा, तो वो वहीं से राजेश टैगोर जी ने डिजाइन किया था, उसको अपना जूम क्लास के अंदर पहले प्रेजेंट किया था, आज हमने उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, आज नहीं किया बल्कि पिछले 3 दिन से हम लगातार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में हमने इसको डिस्कस कर डाला है। सो अच्छी बात है, बढ़िया। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आज कम से कम एक एक्स्ट्रा मीटिंग जरूर करके आइए, कम से कम एक एक्स्ट्रा आदमी को मिलकर, कम से कम एक एक्स्ट्रा आदमी को फोन कॉल करिए, कम से कम एक एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट लीजिए, कम से कम एक एक्स्ट्रा फॉलोअप करिए, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करेंगे तभी सेल होएगा, उसके बिना सेल नहीं होता है। दुनिया में आया था किसी भी सेल्स पर्सन का सेल नहीं हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा, बगैर किए कुछ नहीं होता, सिर्फ शादी करने से बच्चे नहीं होते, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जरूर बिके, बाय बाय, सी यू, गुड डे, बाय बाय, एंजॉय, कल मिलते हैं 8:35 पर कल सुबह 8:35।